वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू तो डियर स्टूडेंट जैसा कि अब आपका आप नवंबर के एंड पर आ चुके हैं और अब आपके पास में दिसंबर का ही महीना बचा हुआ है और आपके थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर को आपका एग्जाम भी है बिजनेस मैथ्स का तो बच्चे इकतीस दिसंबर आपका बिजनेस मैथ्स का एग्जाम है और लगभग लगभग अगले महीने की बात करूंगा तो तीस दिन आपके पास में बचे हुए हैं और अभी भी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी हाल में ही दो चार पाँच दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो वो कन्फ्यूज़ है कि प्रिपरेशन हमें किस तरीके से करें क्योंकि आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे कि अगर आप जेके के ठकराल बुक को फॉलो करेंगे तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका आ रहा है और पूरा का पूरा जेके के ठकराल की किताब आपकी जो है पूरी आ रही है अगर आप कहते हैं तो सर बुक में कितना कंटेंट आपका आ रहा है तो आप देखेंगे कि आपके पास में ये आपके पास है जेके ठकराल की बुक है जो कि मैंने पढ़ाने वक्त इसको फॉलो भी मैंने किया है तो ये आपके पास में ये आपका है आप सवाल से यह है कि आप तीस दिन में समझना और साथ साथ इसको प्रैक्टिस करना ये कैसे पॉसिबल है तो बच्चे मैंने इस पूरे क्लासेस में आपके पास में आपके पास में यूनिट्स हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स यूनिट आपके पास में एक लीनियर प्रोग्रामिंग यूनिट आपके पास में दो कैलकुलस में बेसिक कैलकुलस तीन और एडवांस कैलकुलस चार की दो यूनिट है चार और एक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस तो टोटल पांच यूनिट में आपके पास में पूरा का पूरा मैंने जो है आपको वो उसके बारे में बताता हूं अभी मैथमेटिक्स ऑफ़ फाइनेंस हमारा चल रहा है और बाकी चार यूनिट हमने कवर कर लिया है अब बच्चे यहां पर अगर आप देखेंगे कि आपके पास में कुल टोटल आप बात करें तो आपके पास में नाइनटी एटी लेक्चर्स के आसपास टोटल होंगे अब सवाल है कि तीस दिन में आपके पास में एटी फाइव और नाइनटी लेक्चर कैसे आप उसको देखेंगे तो बच्चे सबसे पहले लेक्चर जो है उन्होंने एवरेज फोर्टी मिनट्स के आसपास का लेक्चर्स हैं तो अगर आप एक दिन में आ, अगर आप सिक्सटी आवर्स के आसपास अप्रोक्सीमेट आपका ये बनेगा सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव आवर्स तो वन पॉइंट फाइव की स्पीड से तो बच्चा क्लास देखता है ये जनरली तो भी आप अपने एक दिन में डेढ़ घंटा अगर आप क्लासेस देखते हैं और डेढ़ घंटे क्लास देखने के बाद आपको जाहिर सी बात है कि आपको नीड नहीं रहेगी जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया पीडीएफ में बस आप उन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए खास बात और अच्छी बात यह है कि यहां पर कोई भी यूनिट का किसी भी दूसरे यूनिट से कोई लिंक नहीं है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का अपना एक यूनिट है उसका बाकी यूनिट से कोई लेना देना नहीं है बेसिक कैलकुलस को करने के बाद ही आप एडवांस कैलकुलस पढ़ सकते हैं बस ये दो यूनिट इंटर लिंक है उसके बाद मैथामेटिक्स और फाइनेंस अपने आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है लीनियर प्रोग्रामिंग अपने आप में इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं तो आप किसी भी यूनिट्स को आप रैंडमली स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन मैं फिर भी आपसे यही कहूंगा कि लगभग लगभग आपका 45 परसेंट के आसपास का वेटेज रहेगा कैलकुलस का तो अगर अभी कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है तो अब इन दिनों में तीस दिन में क्या स्टार्ट करें तो मैं आपको यही बताऊंगा कैलकुलस फर्स्ट से स्टार्ट करें किसी भी दूसरे यूनिट आपका इसका ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है तो कैलकुलस वन में बिल्कुल जीरो लेवल की क्लासेस स्टार्ट करके कैलकुलेशन तक सिखा रखा है कि कैसे आपको डिफ्रेंशिएशन करना होता है चेन रूल क्या होता है प्रोडक्ट रूल क्या होता है क्वेश्चन रूल क्या होता है ये सारी चीज़ें और बहुत सारे क्वेश्चन पे इन रूल को मैंने कर करके दिखाया है लोग का डिफ्रेंशिएशन एक एक बातें बताई हुई हैं कोई भी दिक्कत नहीं अगर आपके पास में इलेवन ट्वेल्थ में आपके पास में मैथ्स नहीं भी थी या थी तो आपने बिल्कुल भी, भी आपको याद नहीं है आपके बिल्कुल मार्क्स नहीं आए थे कोई भी कारण रहा हो

तो फिर कैलकुलस के वो क्वेश्चन तो कर लिए जो मैंने वीडियो में पढ़ा है बट और प्रैक्टिस के लिए कॉन्फिडेंस के लिए क्या करें तो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा एक तो आपके पास में कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आपके पास है शिवदास का टेन ईयर है शिवदास के टेन ईयर में से बेसिक कैलकुलस से रिलेटेड तीस से पैंतीस सवाल दिए मैं चैप्टर वाइज में भी वो अच्छे सवाल है आप उसको प्रैक्टिस करिए और दूसरी बात क्या है पेपर में पेपर में क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रहने वाला है तो वो एक मैं आपको असाइनमेंट दूंगा कि कितने कितने मार्क्स का कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है कैसे पार्ट्स और कैसे ऑप्शनल्स होते हैं ये पूरा एक असाइनमेंट दूंगा और असाइनमेंट में कंपाइंड नहीं दूंगा नहीं तो फिर आपके पास में वही फिर वही बिग मोटी बुक तैयार हो जाएगी तो यहां पर इसके मैं कैलकुलस वन का एक असाइनमेंट दे दूंगा टोटल पांच यूनिट पांच असाइनमेंट दूंगा हर यूनिट का एक असाइनमेंट दूंगा उसमें पेपर में ऑप्शन में कैसे क्वेश्चन होंगे कितने मार्क्स का कैसे क्वेश्चन तोड़ के पूछेगा और ये बेसिकली क्वेश्चन असाइनमेंट क्या होंगे प्रीवियस फाइव इयर्स के जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं बेसिक कैलकुलस से रिलेटेड वो पांच साल के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा फिर वो आप उसी की प्रैक्टिस कर लेना फिर एडवांस कैलकुलस की आप प्रैक्टिस कर लेना तो आपको लगभग लगभग कैलकुलस की प्रैक्टिस करने के लिए तीस क्वेश्चन बेसिक के वहां पर हार्डली आपको जो है पंद्रह से दस क्वेश्चन मिलेंगे तो चालीस पैंतालीस सवाल बस ये प्रैक्टिस कर लेंगे इसे आपके लिए इनफ रहने वाला है फिर आप एडवांस कैलकुलस की तरफ मूव होंगे वहां पर इसी तरीके से आप इस को फॉलो करेंगे तो इस स्ट्रैटी में क्या कवर हो रहा है मैं मेरे वीडियो के थ्रू आपका जीके ठकराल कवर हो रहा है मेरे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप टेन ईयर कवर कर रहे हो और उसके बाद मेरे जो असाइनमेंट्स है उसके थ्रू आप अभी लेटेस्ट फाइव ईयर के क्वेश्चन अटेम्प कर रहे हो आपको एग्जाम का आइडिया मिल रहा है तो तीस दिन के अंदर भी हम सब कुछ कवर कर पा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है अगर आप सवाल ये करते हैं तो बच्चे बस बात बात को मैं बार बार कहता हूँ कि अगर मैं आपके पास में अगर मैं आपको बोलूं कि कैलकुलस में पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आप डायरेक्ट उस टॉपिक के ऊपर जाओगे तो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास है पार्सल डिफ्रेंसिएशन से पहले तो आपको डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए और डिफ्रेंसिएन को आने से पहले आपको सारे रूल पता होने चाहिए तो कहानी ले देकर वहीं घूम जाएगी कि आपको सारी क्लासेस पहले देखनी पड़ेगी फिर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा आप अपने लेवल पर उस पर ज्यादा ध्यान देंगे इसलिए बताऊंगा लेकिन डायरेक्ट आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को नहीं पकड़ सकते हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी भी अगर आप देरी कर देंगे तो आगे चल के चीजें आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी कोई थ्योरी सब्जेक्ट है नहीं इंपॉर्टेंट मार्क करा कैसे भी करके एग्जाम में चले गए मैथामेटिक्स और फाइनेंस में अगर मैंने एक चीज बता दिया आपके पास में कि एनटी का ये क्वेश्चन है तो आपको एनुट्री कैसे हुआ वो इंटरेस्ट कैसे लगाते हैं कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं लोक टेबल कैसे देखते हैं वो सब कुछ सीखना ही पड़ेगा एक टॉपिक को सिर्फ आप नहीं पकड़ के चल सकते पूरा चैप्टर ही कवर करना पड़ेगा इसलिए उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको वो पेपर में लास्ट टाइम भी आए थे सारे इस ईयर भी आएंगे वो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा आपको मैं ताकि आप उन टॉपिक के ऊपर खासकर और ज्यादा ध्यान दें सिर्फ वो टॉपिक आप पढ़ करके आप नहीं समझ में आएगा आपको आपको पूरा कोर्स कवर करना ही पड़ेगा इसलिए थर्टी डेज स्टडी प्लान है नहीं तो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप फटाफट पड़ पकड़ लेते हैं वहां से तो फाइव डेज स्टडी प्लान होता है आपका तो ये थर्टी डेज स्टडी प्लान है तो ये मेरी स्ट्रटेजी रहेगी आने वाले टाइमिंग टाइम के लिए आपके आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे और अब किसी तरह कोई इश्यूज आता है तो मेरा जो है कॉन्टेक्ट नंबर बच्चे आप लोगों के पास में है ही आप उससे इवनिंग में आठ बजे के बाद कभी भी आप मुझे कॉल कर करके और भी कुछ भी सिचुएशन है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं थैंक यू जी थैंक यू सो मच